हे एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे, वो भी डायरेक्ट रीजन इन वन शॉट ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, एंड खास बात भाई, नीट के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कम दो क्वेश्चन अवश्य पक्के पूछे जाते हैं भाई, यानी पूरे पूरे 8 नंबर आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पक्का देके जाएगा। ठीक है, 3 से 4 आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है भाई, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का मैंने काफी अच्छा और शानदार नोट्स बना रखा है, और इस नोट से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी अपना ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फ्रॉम दिस पेज। दैट्स सो सिंपल, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन की भलाई में माइक्रोब्स कैसे योगदान देते हैं। मतलब पहला पॉइंट है बाय प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और माइक्रोब्स केमिकल प्रोड्यूस करके हेल्प करते हैं हमारी, सिंपल सी बात है, हमें केमिकल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब भाई यहां पर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, बोला हमें माइक्रोब का नाम बताना होता है और वो माइक्रोब कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है ये भी बताना होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, हमारे पास पहला माइक्रोब है एसिटोबैक्टर एसिटाई, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, जो आपकी देखिए आप इसको एनसीईआरटी से या जिसके पास ये पेज है वो डायरेक्ट निकाल लीजिए अपने पेज और यहां से रिविजन कर लीजिए, आपकी काफी अच्छी रिविजन हो जाएगी। वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए और पेज को देखते रहिए। जिसके पास नहीं है वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, उसके पास पूरा पीडीएफ आ जाएगा +1 और +2 के 18 पेजेस का, जिसमें आपके 16 लेसन कवर्ड हैं एनसीईआरटी से, जो आपको 250 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करने में हेल्प करेंगे एनसीईआरटी आपके नीट के एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट है आपका पहला एसिडोबैक्टर एसिडाई, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। क्या है भाई ये एसिडोबैक्टर एसिडाई? एक बैक्टीरिया है, ये भी ध्यान रखिए, पूछ लेते हैं एसिडोबैक्टर एसिडाई क्या है? एक बैक्टीरिया। क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड। दूसरा है भाई बोला क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, बोला ये भी एक बैक्टीरिया है, क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये प्रोड्यूस करता है CH3COH। ब्यूटायरिक एसिड का फॉर्मूला आप कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो आप क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम क्या प्रोड्यूस करता है? ब्यूटायरिक एसिड। देखिए भाई, बोर्ड एग्जाम्स में जो हरियाणा बोर्ड या CBSE बोर्ड है उनमें भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन आते हैं माइक्रोब से, माइक्रोबिन ह्यूमन वेलफेयर से, समझ रहे हो इस लेसन से। अगला भाई लैक्टोबैसिलस, जिन्हें हम लैब कहते हैं या लैक्टोबैसिलस, ये भी आपके बैक्टीरिया है। ठीक है, भी क्या आपके बैक्टीरिया, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड की क्या खास बात होती है? लैक्टिक एसिड की ये खास बात होती है कि लैक्टिक एसिड मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ठीक है, ये किसकी खास बात होती है भाई? लैक्टिक एसिड की। ठीक है सर, बोले अब सुन ले ध्यान से, बोले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। आपसे पूछ लेते हैं मिल्क क्या है, कर्ड क्या है? बोले देखिए, मिल्क के अंदर प्रोटीन जो होते हैं, मिल्क के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। बोले कर्ड में यही प्रोटीन जब पार्शियली डाइजेस्ट हो जाए, अगर पार्शियल डाइजेस्ट हो गया प्रोटीन्स, तो प्रोटीन फॉर्म लेता है भाई पेप्टोन्स की फॉर्म ले लेता है, प्रोटीएजेस की फॉर्म ले लेता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेप्टाइड्स की फॉर्म ले लेता है, यानी कि जो आपका कर्ड होता है ये क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क के प्रोटीन, मिल्क के अंदर प्रोटीन होते हैं और कर्ड में पेप्टोन्स प्रोटीएजेस और क्या होते हैं? पेप्टाइड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका मिल्क होता है इसके अंदर प्रोटीन होते हैं लीनियर चैन में, और जो आपका कर्ड होता है इसमें क्या होते हैं? पेप्टोन्स ब्रांच्ड होते हैं, जिसके कारण ये गाढ़ा होता है और ये क्या होता है? बिल्कुल पानी बंगा, हाथ आसानी से पास हो जाए, कोई ज्यादा डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, मिल्क पानी जैसा ही होता है। कर्ड क्या होता है? आपका सेमी सॉलिड होता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन होता है आपका कर्ड, पार्शली डाइजेस्ट, कंप्लीट नहीं, पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है कौन? कर्ड। ठीक है, खास बात सुनिए भाई, कर्ड ज्यादा बेनिफिटेबल है या मिल्क? ब्लैक कर्ड। पहली बात तो इसके अंदर सीधी सी बात, प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे तो आपको खुद डाइजेस्ट करने पड़ेंगे प्रोटीन, पहले स्किन के अंदर कन्वर्ट होंगे, इसके अंदर तो मिल रहे हैं कन्वर्टेड हुए, पहला तो ये बेनिफिट हो गया। अगली खास बात, जो कर्ड होता है इसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा इंक्रीज हो जाती है,
ज़्यादा मात्रा होती है कटहल में विटामिन बी ट्वेल्व की। ठीक है, बताइए विटामिन बी ट्वेल्व का वर्किंग बताने, क्या फायदा है विटामिन बी ट्वेल्व का, कहाँ हेल्प करता है, आरबी से रिलेटेड वर्क बताइए किसका, विटामिन बी ट्वेल्व का। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आपका कट होता है इसके और बेनिफिट भी है, बोला ये हमारे स्टमक में डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल, उनकी ग्रोथ स्टॉप कर देता है, उनको वही चेक, उनको वही रोक देता है, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को रोक देता है, कौन, कर्ड। इसलिए हमें दही खाना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है। क्या बात है सर, तो सुनिए भाई, एसिडाई बैक्टीरिया एसिडिक एसिड प्रोड्यूस करता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो इंक्रीज कर देता है विटामिन बी ट्वेल्व की अमाउंट, और विटामिन बी ट्वेल्व हेल्प करता है आरबीसी प्रोडक्शन में। अरे ये क्या मैंने आपको बता दिया, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क लैब की प्रेजेंस में कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्ड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन को कर्ड कहते हैं, एज पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स के रूप में। देखिए जो आपका प्रोटीन होते हैं नहीं तो एंजाइम होते हैं, समझ रहे। ठीक है सर, ऐसे लिखा जाता है, कई बार हो जाता है। और हाँ, कर्ड और क्या काम करता है, स्टमक में चेक करता है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अगला केमिकल भाई, अगला केमिकल प्रोड्यूस करती है हमारी एस्परगिलस निगर। एस्परगिलस निगर पहले तो किसका मेंबर है, नहीं माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं तो पहले इसका इंपॉर्टेंस माइक्रोब्स की बताओ भाई। एस्परगिलस निगर प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और किसमें होता है, संतरे में, सिट्रिक एसिड भी होता है भाई संतरे में होता है ना। तो एस्परगिलस निगर क्या प्रोड्यूस करती है, एस्परगिलस निगर प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड। एस्परगिलस निगर क्या है, एक फंजाई है, कौन सी फंजाई का मेंबर है एस्परगिलस निगर, ये आपको कमेंट करना है। अस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, फाइकोमाइसिटिस का है, बैसिडियोमाइसिटिस का है, ड्यूटेरियोमाइसिटिस का है, ये आपको बताना है। बताइए एस्परगिलस निगर क्या प्रोड्यूस करती है, सिट्रिक एसिड। ठीक है भाई, अगला यीस्ट, पांचवा है भाई आपका यीस्ट। यीस्ट आपका मेंबर है किसका भाई, एस्कोमाइसिटिस का। और जो यीस्ट की बात कर रहे हैं, यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर। क्या होती है, यीस्ट एक ही सेल होती है, यूनिसेलुलर। अब सुनिए अभी खास बात, हाँ मैं जिस यीस्ट की बात करने जा रहा हूं इसका नाम है एस ए डबल सी एच ए आर ओ सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई हमारे पास यीस्ट है, जो भाई बहुत ज्यादा हेल्प करती है एज माइक्रोब्स। सुनिएगा क्या है भाई, ये जो यीस्ट है इसे बेकर यीस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस यीस्ट को, बेकर यीस्ट। क्यों कहते हैं बेकर यीस्ट, बोले ये ब्रेड मेकिंग में हेल्प करती है। बोले उसमें क्या होता है, बोले जो आपका आटा होता है हम आटे को रख देते हैं, ठीक है, उसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं, बोले आटे के अंदर ये पफ्ड अपीयरेंस ला देती है, आटे को डबल रोटी देखिए ना आपने, पफ्ड अपीयरेंस, ठीक है, थोड़ा भुरभुरा बना देती है। और दूसरी बात, पब्डा भी प्रिंट बना देती है, साथ में इसके कारण CO2 रिलीज होती है, जिसके कारण जो आटा है इसमें छेद हो जाते हैं, क्या जाते हैं, छेद। और आपने देखें WT स्पंजनुमा संरचना बन जाती है। तो जो आपका जो सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई है, ये एक तो CO2 प्रोड्यूस करती है, और किसके साथ भाई, इथेनॉल, इथेनॉलो केमिकल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल होती है, बेकर इंडस्ट्री में, इसलिए इसको बेकर यीस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यही सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई आपकी ब्रीवर्ज यीस्ट भी कहलाती है, ब्रीवर्ज यीस्ट। ठीक है, ये ब्रीवर्ज क्यों कहलाती है बताओ जरा, बोले ब्रीवर्ज इसलिए कहलाती है क्योंकि बेटा ये बीवरेज मेकिंग में हेल्प करती है, सुन ले ध्यान से, किसमें हेल्प करती है, बीवरेज, BEVERAGE। ओहो, बीवरेज क्या होते हैं सर, बीवरेज मेकिंग में हेल्प करती है ये, बीवरेज होता क्या है ये तो बता दीजिए, मगड़, क्या होता है, मगड़, क्या, मगड़, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन और बियर, ये होते हैं बीवरेज, वाइन, बियर, ये क्या है आपके पेय पदार्थ, बीवरेज है जिनको पीते हैं हम, और विस्की, ब्रांडी, रम। खास बात सुनिए भाई, वाइन और बियर तो बिना डिस्टिलेशन के बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन कौन बनता है, क्वेश्चन हर लाइन से क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ ले, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बनती है, विस्की, ब्रांडी, रम विद डिस्टिलेशन बनती है। इसलिए हम हमारे यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई को, जो एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, जो यूनिसेलुलर होती है, ये बेकर यीस्ट कहलाती है, क्योंकि ब्रेड मेकिंग में हेल्प करती है, इसलिए CO2 इथेनॉल प्रोड्यूस करती है साथ में, और ब्यूरेज मेकिंग में कहलाती है, ब्यूरेज यीस्ट भी कहते हैं, ब्रेवर यीस्ट कहते हैं इसको, क्योंकि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम प्रोड्यूस करती है, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन, और विस्की, ब्रांडी, रम विद डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या बात है सर, सुनिए भाई आगे, तो आपकी यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई, बेकर यीस्ट, ब्रेवर यीस्ट कहते हैं, इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस करती है, ब्रेड मेकिंग में, ब्यूरेज मेकिंग में इसका योगदान है, वाइन बीयर विदाउट डिस्टिलेशन ये बनती है, विस्की, ब्रांडी, रम विद डिस्टिलेशन बनती है। ये आपके 5 पॉइंट थे भाई, जिसमें माइक्रोब्स केमिकल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देख लो, इथेनॉल कौन प्रोड्यूस करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस एसिटिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एसिडोबैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम कौन प्रोड्यूस करता है, ब्यूटेरिक एसिड, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब सुनिए भाई, इन्हीं माइक्रोब्स का रोल है इन प्रोडक्शन ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल,
माइक्रोब्स आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस जो लिविंग बींग को एक्टिव कर दे, उन्हें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, दो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, पहला दैट इज व्हाट, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए पहला है, दूसरा कौन है, स्टेटिन। ये आपके दो क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है भाई। बताइए साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टेटिन कौन प्रोड्यूस करता है, मोनास्कस परपरियस, परपरियस, मोनास्कस परपरियस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कौन, साइक्लोस्पोरिन ए कौन प्रोड्यूस करता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बताइए ट्राइकोडर्मा कौन सी फंजाई का मेंबर है, ये भी आपकी फंजाई होती है मोनास्कस, और ये भी आपकी फंजाई है, कौन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बताइए ट्राइकोडर्मा किसका मेंबर है, ये पूछते हैं भाई। ड्यूटेरियोमाइसिटीज का किसका मेंबर है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज का फंजाई है ये, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज भाई रूट बोरन पैथोजन को किल कर देती है, ध्यान रखना, यानी प्लांट को रूट्स इंसेक्ट से बचाती है, कौन, प्लांट इकोसिस्टम में प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, कौन, ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज। यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रही है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन। क्या काम होता है साइक्लोस्पोरिन का, बोला ये इम्यूनो डिप्रेसिव एजेंट है। सुनिए क्या कहानी है इसके पीछे, इम्यूनो डिप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनो डिप्रेसिव एजेंट या इम्यूनो सप्रेसिव है, बल्कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कहेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट मतलब मान लीजिए भाई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ट किडनी खराब हो गई, अब उसके अंदर नई किडनी चढ़ा दी जाती है, इम्प्लांट कर जाती है, इसे कहते हैं ग्राफ्ट, क्या, ग्राफ्ट इंजेक्ट कर दिया, ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको, कि किसी ऑर्गेनिज्म में हमने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी और किडनी के लिए और हार्ट के स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर, मान लो मेरे अंदर हार्ट डाल दिया गया, ठीक है, तो मेरे शरीर की जो इम्यूनिटी है बाहर से जो हार्ट आया इसको किल कर देगी। अब मेरे शरीर की इम्यूनिटी को दबाने के लिए, ताकि जो हार्ट अपना काम करता रहे, हमें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देने पड़ते हैं। साइक्लोस्पोरिन 120 रुपए टैबलेट आती है करीब, थोड़ी थोड़ी लंबी लंबी साइक्लोस्पोरिन की, क्या बात है सर। तो यहाँ पे क्या करती है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है साइक्लोस्पोरिन, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस कर, देख लीजिए माइक्रोब्स कितना अच्छा योगदान देते हैं भाई, कितना फायदा है। तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में, यहाँ पे क्यों सुना भाई, ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट करने में कौन सी इम्यूनिटी रिजेक्ट करती है, या कौन सी सेल्स है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है, ये आपको कमेंट करके आंसर देना इस बात का, बताइए कौन सी सेल्स है जो ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है और हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करवा देंगे, साइक्लोस्पोरिन देंगे, तो अब जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो हार्ट जो ट्रांसप्लांट हुआ उसको किल नहीं करेगी और अपना काम करता रहेगा, थोड़े समय बाद जो हार्ट है वो हमारे शरीर के अनुकूल हो जाएगा, फिर वो कोई बाहरी एंटीजन के रूप में वर्क नहीं, एलियन के रूप में रहेगा नहीं, हमारा शरीर को एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल। तो ये बेनिफिट होता है साइक्लोस्पोरिन का। स्टेटिन क्या है, स्टेटिन मोनास्कस परपरियस फंजाई द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये क्या है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट, क्या है भाई, स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है आपका स्टेटिन। ये कैसे काम करता है, बोला हमारे शरीर में एक एंजाइम है HMG को एंजाइम ए, ये आपका कोलेस्ट्रोल बनाता है, क्या बनाता है, कोलेस्ट्रोल। बोला स्टेटिन क्या करता है, बोला इस एंजाइम के साथ लड़ता है और इसको कोलेस्ट्रोल बनाने नहीं देता, रे हो, इस एंजाइम के साथ लड़ेगा और कोलेस्ट्रोल बनाने नहीं देगा, देख ले, तो स्टेटिन कोलेस्ट्रोल नहीं बनाता भाई, कोलेस्ट्रोल के कारण क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो क्या, सीधी सी कहानी, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा आपकी, तो इसलिए स्टेटिन का इस्तेमाल अच्छा है, ठीक है भाई। तो ये था आपका बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का योगदान, साइक्लोस्पोरिन एंड स्टेटिन आपके बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वो माइक्रोब्स हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है भाई। स्टेटिन को प्रोड्यूस करती है मोनास्कस परपरियस जो कि यीस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अभी अगला, माइक्रोब्स का रोल इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो आपके माइक्रोब्स हैं, ये देखिए भाई, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, 1, 2, 3 चलिए। अब भाई माइक्रोब्स का रोल देखेंगे हम इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो माइक्रोब्स है ना ये एंजाइम्स ही प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल भाई पेप्टाइडेजेस एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोटीएजेस एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके, प्रोटीएजेस कुछ कोई जो भी प्रोड्यूस करता हो, हमें ये ध्यान नहीं रखना प्रोटीएजेस में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वे प्रोटीएजेस क्या है, क्या काम है, प्रोटीएजेस आपके एंजाइम है, ये क्या काम करते हैं, बोला ये मार्केट में जूस, जो बोतल जूस होते हैं ना, बोतल में जूस आते हैं, माजा आ रही है, आम का जूस होते हैं, प्रकार के बोतल जूस को फाइबर फ्री क्लैरिफाई करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेजेस क्लैरिफाई कर देते हैं, मतलब देखिए जो आम होता है उनमें फाइबर होते हैं, जो माजा है स्लाइस है इनके अंदर क्या है, फाइबर नहीं होते, तो इनके अंदर हम प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइडेजेस को डाल देते हैं, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो फाइबर फ्री हो जाता है, सिंपल, देख लीजिए माइक्रो हेल्प कर लेना, बिल्कुल।
तो बोतल जूस को क्लैरिफाई करने में कौन योगदान देता है? प्रोटीजेस एंड पेप्टाइडेजेस। ठीक है, अगला भाई एक एंजाइम है आपका लाइपेज, ये भी एंजाइम है। लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, डिटर्जेंट लाइपेज का क्या काम है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन का, वह डिटर्जेंट फॉर्मुलेट करके ये क्या करना चाहता है? वह डिटर्जेंट से हमें पता है भाई हमारे जो ऑयली स्टेन्स हैं, दाग धब्बे, आप जो घिसर घिसर के खेल के आए होंगे बाहर से, तो दाग धब्बे आपके जो कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, इनको साफ सुथरा बनाने के लिए हम लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। जो ये लाइपेज एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है बोलिए भाई? ये होती है एक आपकी लिपोलाइटिका, जो एक फर्दर फंजाई का मेंबर है, जो लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, जिससे हम प्रोडक्शन से डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन करवाने में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, इनके लिए आपको इनके ऑर्गेनिज्म का नाम रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछें तो वहां से पूछ लेंगे भैया, बेफालतू चीजें नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगले का नाम याद रखना पड़ेगा। बोले एक एंजाइम आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज बोला ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है, ये एक एंजाइम है, ये प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, बोला क्या काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकाइनेज काम करता है क्लोटबस्टर का। ये क्या कहानी है सुनो भाई, मान लीजिए आपके वेसल में क्लोट खून का थक्का जम जाता है, तो जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये खून के थक्के को उखाड़ फेंकेगा, खून के थक्के को उखाड़ फेंकेगा, कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो कई बार पता है क्या करते हैं, ठीक है भाई, खून के थक्के मतलब आपके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हमारे हार्ट की मसल्स को जो खून ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, खून कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया तो पास नहीं हो पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, जिससे हम क्या कहेंगे, लीड करेगा यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, ठीक है भाई, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को दूर करने में कौन हेल्प करेगा? क्लोटबस्टर, इनको उखाड़ देगा ब्लड को जहां भी जमा हुआ है, क्लोटबस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस हेल्प इन क्लोटबस्टर, और बहुत सारे नमूने ऐसे होते हैं जो इस बात को राइट करके आ जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये, तो प्रोड्यूस करने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, और ये एंजाइम का काम क्लोटबस्टर का है, इस बैक्टीरिया का नहीं, इस बात को भली भांति समझ लीजिए। ठीक है सर, आगे भाई, तो आपकी जो मोनास्कस प्रोपरियस है ये स्टेटिन प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, बाय कंप्लीटली इनहिबिटिंग एचएमजी कोएंजाइम में विच सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल, उसको उसे लड़ता है स्टेटिन और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाता है टू रिमूव क्लोटबस्टर को रिमूव करने के लिए। अब ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज हम यूज करते हैं ना भाई, ध्यान रखना ये मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको मॉडिफाई किया हुआ है हमने बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ताकि अच्छे से वर्क करवा सकें बॉडी में। अगला भाई कुछ बातें और देखिए, बोला इसी स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज से रिलेटेड शब्द है एक स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या शब्द है? स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बोला इनसे रिलेटेड एक टर्म है हमारे पास, क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। बोला ये क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपकी एंटीबायोटिक है, क्या? एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो एंटीबायोटिक्स का काम करेगी। बोला ये प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, और इसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस प्रोड्यूस करती है स्ट्रेप्टोमाइसिन को, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ऐसे भाई स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये कहां पे आए? जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी ना, तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ही एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था एक प्रकार से। तो क्या हुआ, मतलब पेनिसिलिन की जब डिस्कवरी, तो उन्होंने देखा एक माउल्ड से केमिकल स्किट हो रहा है जहां पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या नहीं कर पा रहे हैं? ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तभी पेनिसिलिन नोटाटम से मिला था, पेनिसिलिन नाम रख दिया पेनिसिलिन, और उसी को एंटीबायोटिक बना दिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को किल कर देती है। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, स्टेफाइलोकोकस, पेनिसिलिन की डिस्कवरी में इसी का योगदान है, इसी के कारण हुई थी पेनिसिलिन की डिस्कवरी, आप ये समझ सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक फंजाई प्रोड्यूस करती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो यानी रोल ऑफ माइक्रोब्स होगा किस किस में? केमिकल प्रोडक्शन में, एंजाइम प्रोडक्शन में, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्शन में। जी सर, कुल मिला के आपके 10 पॉइंट्स हो गए भाई, 10 पॉइंट। जो आपका लाइपेज है ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है टू रिमूव ऑयली स्टेन्स ऑफ द क्लोथिस, ऐसी लाइन लिख रखी है। नेक्स्ट भाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनी क्या काम करता है बताइए? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनी का यूज बताओ जल्दी से, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले सर, सब लिखा हुआ तो है। देखिए भाई, जिसके पास पेज है वो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट में ये है
ये जो बातें ना तुम एक साथ देख के रिकॉल कर सकते हो, ये बेनिफिट होगा स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। और कोई भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल भली बात ही किसी टारगेट को एक लॉजिक देते हुए आपको कही जाएंगी, क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा कीमती है, मैं ऐसे ही आप उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। अब आप मुझे ये बता दो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी है जो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी, ये कौन सा चीज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या जो चीज है ना, जो आपका ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसके अंदर माइक्रोब इस्तेमाल किए गए थे, किसके अंदर, चीज के अंदर, किसमें भाई, चीज में, किसमें, चीज में, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी कौन से चीज में यूज होता है, दैट इज इन प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी। पहली बात तो एक बैक्टीरिया है जो स्वीस चीज बनाने में हेल्प करता है, कौन सा चीज भाई, स्वीस चीज, ठीक है। और स्वीस चीज की पहचान है कि इसमें लार्ज होल होते हैं, क्या होते हैं इसमें, लार्ज होल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बात। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी स्वीस चीज बनाने में हेल्प करता है, स्वीस चीज को भी उसमें लार्ज होल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अगला पॉइंट देखिए, इसी में सुन लो एक बार, बोला प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी स्वीस चीज में हेल्प करता है जिसमें लार्ज होल होते हैं, क्यों होते हैं लार्ज होल, खूबी उसकी, लार्ज होल इनकी खूबी, इसकी खूबी है क्यों, CO2 ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं इसलिए। अगला बोला एक पेनिसिलियम रोकीफोर्टी है जो एक फंजाई है, ये प्रोड्यूस करती है रोकीफोर्टी चीज, रोकीफोर्टी चीज, रोकीफोर्टी चीज कौन प्रोड्यूस, एंजाइम प्रोड्यूस, फंजाई प्रोड्यूस करती है पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, ठीक है भाई। देन आपकी टोडी क्या है, व्हाट इज टोडी, बोला टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो पाम के फर्मेंटेशन से बनती है, पाम्स, पाम्स के फर्मेंटेशन से बनती है, कौन, टोडी, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथर्न इंडिया के लोग पीते हैं इसको, जो फॉर्म्ड की जाती है भाई फर्मेंटेशन ऑफ पाम्स द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई, चीज इज द ओल्डेस्ट आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। देन एक प्रोसेस अभी लिविनिंग क्या होता है, एल ई ए वी ई एन आई एन जी, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ, व्हाट इज लिविनिंग, द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ डो, डो होता है आटा, डफ कहते थे इसको, डी ओ यू जेड, इसका मतलब है आटा, गुथा हुआ आटा, प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ डफ, डफ इस डफ के स्वेलिंग की प्रोसेस बाय थ्री एंजाइम, तीन एंजाइम्स द्वारा, तीन एंजाइम यूज होंगे और यह आटा आपका स्वेल कर जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं लिवनिंग, ये प्रकार की फर्मेंटेशन प्रोसेस है लिवनिंग। कौन कौन सा एंजाइम हेल्प करता है भाई, एक तो माइलेज, ठीक है सर, अगला माल्टेज और जाइमेज, माल्टेज और फिर जाइमेज, सुन ले भाई ये केमिस्ट्री की अच्छी किस रिएक्शन पूछ लेते हैं यहां से, जाइमेज, अरे तीन एंजाइम आपकी यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया प्रोड्यूस करती है भाई, जो आपका माइलेज ये काम करता है क्या, ब्रेड स्टार्च, जो आपकी ब्रेड में स्टार्च होगा उसको स्वेलिंग, देखिए पहले डोफ को क्या करेगा, स्वेलिंग करने में हेल्प करेगा, मतलब फूल जाएगा आटा, ठीक है, बुरबुरा बन जाएगा, डबल रोटी ब्रेड स्पंज जैसा बन जाएगा, ठीक है। कैसे, बोला जो आपकी स्टार्च है आटे में उसको माइलेज ब्रेक कर देगा माल्टोज में, माल्टोज को आप माल्टेज देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में, ग्लूकोज को में अगर आपने जाइमेज डाल दिया तो जाइमेज बन जाएगा इसको इथेनॉल प्लस CO2 में, ठीक है, दो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, दो ही चार, दो छह ग्लूकोज बन गए, छह ग्लूकोज में होते हैं, तो आपके दो CO2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं और दो ही आपके इथेनॉल के मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, जाइमेज, तो ये तीन एंजाइम वर्क करते हैं, अमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज, ठीक है, और ये तीनों इस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट भाई, उपमा, इडली, ढोसा बाय फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम, उपमा, इडली, ढोसा, उपमा, इडली, ढोसा बाय फर्मेंटेशन ऑफ ब्लैक ग्राम्स के फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं भाई, और राइस के फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम, काले चने, इनके फर्मेंटेशन से बनाते हैं, देखिए मेन मेन पॉइंट है एनसीईआरटी से उठाए, जो आपके नीट एग्जाम में डाइट के सुन लाएंगे आपके लिए। अगला भाई, इकोलाई इज कॉमन बैक्टीरिया ऑफ पानी, वाटर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई, ठीक है सर, और वाटर प्यूरिफाई करने का बोले सुडोमोनास पुटीडा, सुडोमोनास पुटीडा, ये इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने में हेल्प करता है, ये पोल्यूशन से फ्री करता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन मुक्त करेगा, और जबकि जो इकोलाई है ये पोल्यूशन करेगा, पोल्यूशन काजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये पोल्यूशन इंडिकेटर आप कह सकते हो इकोलाई, जहां ज्यादा इकोलाई होगा वहां पोल्यूशन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, तो इकोलाई आपका पोल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करता है, सुडोमोनास पुटीडा एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ठीक है। अगला सुनिए भाई, जैसे कोरोना वायरस है ऐसे एक एडिनो वायरस भी दे रखा है काजू कतली जैसा, एडिनो वायरस स्टार्टिंग होते ही माइक्रोब्स इन ह्यूमन, फिर अगले पेज पे एडिनो वायरस दे रखा है ऐसे काजू कतली जैसा, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे पोर से स्पेस से दे रखे हैं,
ग्रीन ग्रीन कलर में, ये आपका डिनो वायरस है भाई। ये काज करता है कैसे, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काज करता है। कैसे सिंड्रोम काज करता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए एनसीईआरटी से अच्छा लिख रखा है, मतलब एनसीईआरटी के साथ प्लस चीजें ऐड कर रखी। अच्छा तो क्या मतलब प्लस चीजें ऐड कर रखी मैंने इसमें, ध्यान रखिएगा। तो आपका एडिनो वायरस है ये 90 से 100 सेंटीमीटर का होता है। पहली बात, इसके एडिनो वायरस की क्या खूबी है भाई, ये 90 से 100 सेंटीमीटर नहीं नैनोमीटर का होता है, ठीक है। है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडियस डीएनए होता है इसमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है एडिनो वायरस का। डी फॉर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डी 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 डी, एडिनो वायरस याद रखने की जरूरत नहीं ज्यादा। डी फॉर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो मैं आपको आगे सुनिए भाई, काज रेस्पिरेटरी डिजीज काज करता है, ठीक है। इन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन एडिनोइड, और इसको कहां से आइसोलेटेड किया गया, ह्यूमन के एडिनोइड से। ये पूछ लेते हैं कहां से आइसोलेटेड किया गया इसको, ह्यूमन के एडिनोइड से, ह्यूमन के एडिनोइड से इसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है सर। जो आपके ह्यूमन एडिनोइड एक प्रकार से फेरिंजियल, फेरिंग्स के टोन्सिल्स होते हैं। फेरिंग्स के क्या होते हैं, टोन्सिल्स। क्या होते हैं फेरिंग्स के, क्या होते हैं भाई, टोन्सिल्स होते हैं। कौन ये आपके क्या होते हैं, फेरिंग्स के क्या होते हैं, टोन्सिल्स होते हैं। कौन होते हैं टोन्सिल्स, फेरिंग्स के टोन्सिल्स होते हैं। कौन आपके ये फेरिंजियल टोन्सिल्स एडिनोइड जो होते हैं, फेरिंजियल टोन्सिल्स होते हैं, ठीक है। यहां से गेन किया गया। इसके अंदर आइकोसाहेड्रल यूनिट्स पाए जाते हैं जिसमें 20-20 कार्बन की चैन हो सकती है। आइकोसाहेड्रल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 20। इनके अंदर आइकोसाहेड्रल यूनिट होती है, क्या होती है, आइकोसाहेड्रल यूनिट्स होती है। कैसे यूनिट्स होती है इनके अंदर, आइकोसाहेड्रल यूनिट्स होती है इनके अंदर, ठीक है सर। नेक्स्ट भाई, तमाकू मोजेक वायरस, टीएमवी वायरस, तमाकू मोजेक वायरस, ठीक है। ये तंबाकू के अंदर मोजेक डिजीज कार्य करता है तंबाकू रूट में, जिसके कारण तंबाकू का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तंबाकू मोजेक वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है भाई। प्लस वन के सेकंड लेसन में दिखा रखा है इसका नेट, ठीक है। सर्कुलर कैप्सिड भी होती है तंबाकू मोजेक वायरस में, देख लेना भाई। देखिए ऐसा कैप्सिड से कैप्सिड में सस्टेंशन दिखा रखी है नीली नीली, आगे इसका जेनेटिक मटेरियल दिखा रखा है ऐसे करके चैन में, जो एमआरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है, एमआरएनए, कैप्सोमीर कहते हैं इस यूनिट को, ठीक है। इसका साइज होता है 300 से 18 नैनोमीटर का। साइज कितना होता है इसका, 300 से 18 नैनोमीटर का साइज होता है, देख लेना भाई। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एम्स में पूछते थे, 300 से 18 नैनोमीटर का साइज है, ठीक है। ये हो गया अभी आपका तंबाकू मोजेक वायरस। एक डिजीज काज करता है तंबाकू मोजेक वायरस चिल्ली में, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी वैरायटी ऑफ चिल्ली को तंबाकू मोजेक वायरस नहीं लगता, ये बताना आपको, कमेंट कीजिएगा आंसर। अगला है भाई, पेनिसिलियम नोडाटम एक केमिकल प्रोड्यूस करती है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पहली एंटीबायोटिक्स 1928 में, प्रेफरेंस अभी 1928 में जनरली बोला गया, 1928 में, 1929 भी कहीं लिखा है मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। टेंथ में जनरली 1929 लिख रखा, 1929 लिख रखा, 1929, लेकिन 1928 या 1929 में से कोई भी आ जाए, 1928 ज़्यादा प्रेफरेबल है, ध्यान रखना। और भाई इसका वर्ल्ड वार टू में यूज किया गया था, ठीक है। फिर फ्लोरे ने, हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चैन ने इसका फुल पोटेंशियल बताया था वर्ल्ड वार टू के दौरान, ठीक है। 1945 में फिर इनको नोबेल प्राइज मिला। और ध्यान रखना, जो आपकी पेनिसिलियम नोटाटम से जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी वो इस बात को लेके हुई थी, इस बात को लेके हुई थी, इस बात को लेके हुई थी कि जो आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया भाई, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये ग्रो नहीं कर पाया था जब पेनिसिलिन रिलीज हो रहा था, एक केमिकल स्किड हो रहा था इस माउल्ड फंजाई से, ठीक है, हो गया भाई। अगला यहीं पे बात कर लेते हैं, ध्यान रखिए 1945 में नोबेल प्राइज मिला था किस किस को, फ्लेमिंग को, फ्लोरे को और चैन को, ठीक है। अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड फ्लोरे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोरोना वायरस जो आया था अभी, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था बताओ, आरएनए, क्या था भाई, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल था भाई कोरोना वायरस का, क्या बात है सर, ध्यान दीजिएगा और सुन लीजिए भाई। और हमने आपका एक पेज यहां तक समाप्त होता है, इसमें कुछ साइड में लाइनिंग दे रखी है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वायरस, सुनिए क्या है। अगर मैं कह दूं पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन दे दिया मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको बायोगैस दे दी, ठीक है, मैंने आपको सिट्रिक एसिड दे दिया, ठीक है, मैंने आपको कर्ट दे दिया, ठीक है, बताइए इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जो क्रम में चाहिए, सुन लीजिए भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन प्रोडक्शन की बात करें, उसके बाद है बायोगैस, ठीक है, उसके बाद है सिट्रिक एसिड, और फिर क्या है आपका कर्ट। अगर बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस देखें ह्यूमन बींग के लिए, सबसे ज्यादा पेनिसिलिन का है, फिर बायोगैस का है, फिर सिट्रिक एसिड का है, फिर कर्ट का। अब पेनिसिलिन का क्योंकि एंटीबायोटिक है भाई, ये तो जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाएगी, इनको तो ना लो, ये आपको रोशनी दही खाना पकाने में हेल्प करेगी, क्योंकि बिना सिट्रिक एसिड के हम रह सकते हैं, दही के रह सकते हैं, पकाने के नहीं, लाइटनिंग भी हेल्प देगी। सिट्रिक एसिड कर्ट के ना रह सकते हैं, सिट्रिक एसिड हमें हेल्प करता है बहुत सारी, कर्ट तो कर्ट और सिट्रिक एसिड में प्रेफरेंस हो जाती है सिट्रिक एसिड को, हो गया भाई।
तो ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए फायदेमंद थे ये चीजें, और सीक्वेंस भी बता दिया। नेक्स्ट अभी आप लोगों के लिए, 21% ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय वाटर बोर्न पैथोजन, पानी के अंदर जो पैथोजन प्रोड्यूस होते हैं ना, 21% बीमारियां ऑल ह्यूमन डिजीज में से 21% तो आपके इन पैथोजन के कारण होती है। ये बात जरा ध्यान से नोट कर लीजिए भाई, क्या 21%, ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए भाई, केवीआईसी की फुल फॉर्म, कुछ फुल फॉर्म्स बतानी है, केवीआईसी की फुल फॉर्म बताइए क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन खादी एंड विलेज। फिर IARI की फुल फॉर्म बताओ, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, और ये आपका न्यू दिल्ली में है, कहां है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, लखनऊ में है, ठीक है सर। अगला भाई, IPM की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है सर। MEF की फुल फॉर्म बताइए, MEF की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है भाई, 1984 में आई थी, न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है, 1984 में बनाई गई थी संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, 1984 में न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है, न्यू दिल्ली, एनडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, IRRI की फुल फॉर्म क्या है, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI कहां है भाई, फिलीपींस में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, फिलीपींस में। फिर बतानी आपको भाई GEAC की फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, जीन्स में बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन, जीन्स में मॉडिफिकेशन करते समय आपको जो भी ऑर्गेनिज्म टारगेट कर रहे हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी परमिशन आपको GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से लेनी पड़ेगी, जीन में अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो, ठीक है भाई। अगले टाइम में भाई VAM वाम, जिसकी फुल फॉर्म है वेसिकुलर आर्बुस्कुलर, वेसिकुलर आर्बस्कुलर, ठीक है, माइक्रोहिजा, वैम कहते हैं इसको, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोहिजा, ठीक है। बीटी की फुल फॉर्म बताइए क्या है, बैसिलस थुरिनजेंसिस, बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है भाई। तो यदि आप कुछ फुल फॉर्म, ठीक है भाई, जो आपका VAM, एक तो होता है वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोहिजा, ये आपका एंडो होता है, आंतरिक अंदर बनता है प्लांट के, एक होता है केवल वस्कुलर माइक्रोहिजा या सिंपल माइक्रोहिजा, ये थोड़ा बाहर साइड बनता है, ठीक है, आदान प्रदान आउटर सरफेस पे, एंडो साइड होता है आपका वैम, बाहर होता है आपका VM या सिंपल माइक्रोहिजा। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी भाई। उसके बाद हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर की, इसकी बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 चलिए भाई। अब सुनिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, नीट को अच्छे से टारगेट करना ही है, और ये क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टिप्स पे होने चाहिए ये क्वेश्चन। एडिनो वायरस का साइज कितना होता है, 90 से 100 नैनोमीटर, क्या काज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज काज करता है, ऐसे। अगला भाई, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, देखिए सोइल की जो उपजाऊ क्षमता फर्टिलिटी को बढ़ा दे उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे उन्हें कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो सोइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देते हैं, इन्हें हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, फ्रीलिंग रहते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, बैजरनिकिया, कुछ एसोसिएशन में करते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, फ्रेंकिया अल्नस के साथ, ठीक है। सुनिए भाई क्या है, बायो फर्टिलाइजर इंक्रीज न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोइल, राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जांपल है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो एक माइक्रोरिजा बनाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी, यह भी बायो फर्टिलाइजर का काम करती है, भी मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देती है, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक एनाबिना ओसिलेटेरिया, ये जनरली पेडी फील्ड धान के खेतों में काम करती हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी एक्वेटिक पानी में भी रह सकती है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी होते हुए किसका काम करती हैं, बायो फर्टिलाइजर का, स्पेशली पेडी धान के खेत राइस के लिए आपकी जो नोस्टोक एनाबिना ओसिलेटेरिया बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इनको, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है भाई। अगला है ग्लोमस जीनस फंजाई का आर्बोस्कुलर माइक्रोरिजा बनाता है, AM फंजाई कहते हैं, ग्लोमस जीनस फंजाई में, जीनस है ग्लोमस तो फंजाई का, जिसके स्पीसीज में
कुछ फंजाई है वो जो आउटर साइड आपका माइक्रोहिजल एसोसिएशन बनाती है, ठीक है, जो कि आपका एक प्रकार से बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। बोला ऑल स्पीसीज फॉर्म्स माइक्रोहिजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बोला एम जो आर्ब वस्कुलर माइक्रोहिजा वाली फंजाई होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, ध्यान रखना वेम वाली नहीं बनाती, वीएम वाली नहीं बनाती, एएम वाली बनाती है, आर्ब वस्कुलर माइक्रोहिजा वाली, वेसिकुलर माइक्रोहिजा वाली नहीं बनाती, वेसिकुलर आर्ब वस्कुलर माइक्रोहिजा वाली नहीं बनाती, एएम वाली बनाती है, ध्यान रखना ये बात। ऑल स्पीसीज फॉर्म्स माइक्रोहिजा सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप होती है, म्यूचुअलिज्म होता है एक प्रकार से इन दोनों के बीच, जिसमें जो आपकी फंजाई है ये तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है प्लांट को, और जो आपका प्लांट है वो इसको भोजन देने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका, अगली बात इसी में बायोफर्टिलाइजर में क्या है, अगली बात क्या है बायोफर्टिलाइजर में, देखिए जो आपका बेजनिकिया एजोस्पाइरम एजोडोबैक्टर, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, सुनिएगा यहां पे कहानी, बेजनिकिया एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरम ये फ्री लिविंग रहते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं भाई, ठीक है। एक और बात, बोला जो राइजोबियम होता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ होता है तभी ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, अदरवाइज नहीं, फ्री लिविंग रहता है ना सोइल में लेकिन उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। ऐसे ही जो फ्रेंकिया है अल्नस के साथ, अल्नस आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, ध्यान रखना, और फ्रेंकिया एक प्रोकैरियोट है, राइजोबियम भी एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बोला जो फ्रेंकिया अल्नस के साथ रहते हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जब ये फ्री लिविंग होते हैं ना मिट्टी में, राइजोबियम और फ्रेंकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, पर जो आपका बेजनिकिया एजोस्पाइरम और एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग रहते हुए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये तो भाई अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोफर्टिलाइजर का काम, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं, कि माइक्रोब्स बायोफर्टिलाइजर का काम भी कर रहे हैं, देख लो, ठीक है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किसके केस में भाई, साइनोबैक्टीरिया इन पेडी फील्ड्स, धान के खेतों में एग्जांपल क्या है साइनोबैक्टीरिया के, नोस्टोक एनाबिना ओसिलेटोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इनको हम, ठीक है। अगला भाई एग्जांपल आप लोगों के लिए, आगे बताइए, बताओ जो आपके माइक्रोब्स है ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम भी करते हैं, मतलब ये जो कुछ कीटों को खा भी जाते हैं, कुछ माइक्रोब्स दूसरे छोटे कीटों को खा जाते हैं ताकि फसलों को नुकसान न हो, फॉर एग्जाम्पल देखिए बायो कंट्रोल एजेंट का भी काम करते हैं आपके कौन, माइक्रोब्स, तो ये माइक्रोब्स का रोल ही देख रहे हैं हम, तो माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट क्या करते हैं सुनिए, लेडी बर्ड एक आपका है माइक्रोब, लेडी बर्ड छोटा पक्षी होता है लेडी बर्ड, बोला ये आपके एफिड्स को खा जाता है, लेडी बर्ड किसको खाता है, एफिड्स को खा जाता है। वहीं पर एक होती है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई किसको खा जाती है, ड्रैगन फ्लाई खा जाती है मॉस्किटो को, ड्रैगन फ्लाई किसको खाती है मॉस्किटो को, ठीक है। तो ये आपके वो आपके माइक्रोब्स हैं जो अदर छोटे जीवों को सफाया करने में हेल्प करते हैं जो फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे ही भाई आपका बैसिलस थुरिंजेनेसिस, अभी हम पढ़ रहे हैं किस हेडिंग के अंदर, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर, बैसिलस थुरी TH URINGI थुरिंजेनेसिस, बैसिलस थुरिंजेनेसिस BT कहते हैं इसको, ये क्या काम करता है, ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को मारता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मारता है। और भाई मान लीजिए आपका कॉटन कपास है, उनमें ये जो बटरफ्लाई कैटरपिलर है ये उनके पास वो खा रहा है, ठीक है, तो क्या करता है आपका BT कॉटन में डाल देते हैं हम कपास के लिए, BT कॉटन में एक कपास है जिसमें BT के जीन होते हैं, BT कॉटन में इसको है ना ये चीजें बटरफ्लाई कैटरपिलर वगैरह नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसे ही भाई ये आपके कॉटन बोलवोरम को किल कर देता है, BT कॉटन बोलवोरम को किल कर देता है बोलवोरम, ऐसे BT कॉर्न बोरर को भी मार देता है मक्के में, कॉर्न बोरर मक्के में जो छेद कर देते हैं, ठीक है, उनको किल करता है। और भाई BT क्या काम करता है, और ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये किल करता है लेपिडोप्टेरन्स को, डिप्टेरन्स को, डिप्टेरन्स में आते हैं फ्लाइज मॉस्किटो, MFD से याद करते हैं फ्लाइज मॉस्किटो, सुनिए जो आपका बैसिलस थुरिंजेनेसिस है ये BT को, जो बैसिलस में BT है ये किसको किल करता है भाई, लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स में क्या क्या आता है, लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं तमाखू बडवर्म एंड आर्मी वर्म, ठीक है। डिप्टेरन्स में क्या आता है, डिप्टेरन्स में आते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो, MFD से याद रख लेंगे MFD, ठीक है। एक आप एक कोलियोप्टेरन्स, बोला कोलियोप्टेरन्स में क्या आते हैं, बोला कोलियोप्टेरन्स में आपके आते हैं कौन, बीटल्स, कौन आते हैं बीटल्स, चलिए भाई मार्कर को इंक पिला देते हैं थोड़ी सी, क्या बात है मार्कर को इंक पिला देते हैं, इतने आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लो स्क्रीन शॉट, टन टन है हावी। तो क्या कहानी है, जो आपका BT बैसिलस थुरिंजेनेसिस है
ये लेपिडोप्टेरन्स को किल कर देता है, डिप्टेरन्स को किल कर देता है, कोलियोप्टेरन्स में याद करेंगे बीसी से बीटल्स को किल कर देता है, कोलियोप्टेरन्स में किसको किल कर देता है, बीटल्स को किल कर देता है। एक्चुअल में जो आपका बीटीकोटन होता है ना, खास बात सुनिए भी इसकी, ये क्या है, अल्कलाइन पीएच पे एक्टिव होता है, इसके अंदर टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं बीटी के अंदर, यानी एक ऐसे एंजाइम है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं बीटी के अंदर तो, लेकिन जैसे ही ये किसी अल्कलाइन पीएच पे पहुंचते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के गले का पीएच क्या होता है, अल्कलाइन, जो आप कोलियोप्टेरन्स हैं इनके गले का पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन, और अल्कलाइन पीएच पे आपका जो इनटॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, जो टॉक्सिन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं बीटी में, वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो ये जो आपके माइक्रो, ये जो आपके छोटे छोटे तम्बाकू वुडवर्म आर्मी वर्म होते हैं, इनके जो ये नाल होती है, गट होती है, उसमें छेद कर जाते हैं उनके एपिथेलियम में, जिसके कारण वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बायोकंट्रोल एजेंट का काम करता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ध्यान दीजिए भी यहाँ पे, बताइए कॉटन वुडवर्म को क्राइजिन मारते हैं, आपको बताना है क्राइजिन 1AB, क्राइजिन 1AC, क्राइजिन 2AB, ये तीन जीन है, क्राइजिन 1AB, क्राइजिन 2AB, क्राइजिन 1AC, आपको बताना है इनमें से कौन से जीन कॉटन बोलवर्म को मारते हैं, कौन से कॉर्नबोर को, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इनमें। ठीक है, दो है जो बोलवर्म को मारते हैं और बोरर को एक ही मारता है। ठीक है, ठीक है सर, तो ये था भाई आपके बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में बीसी का, बैसिलस बीटी का योगदान। अब देखिए भाई अगला है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का योगदान, किसका भाई, ट्राइकोडर्मा, मतलब ट्राइकोडर्मा क्या कहती है, मतलब ट्राइकोडर्मा आपकी प्लांट के अंदर रूट बोरन पैथोजन, रूट के प्लांट की रूट में जो पैथोजन होंगे उनको किल करती है। और ध्यान रखना भाई, ये जो आपके ट्राइकोडर्मा है ना, जो किसका मेंबर है, ड्यूटेरियोमाइसिटिस का मेंबर है, ये ट्राइकोडर्मा रूट बोरन पैथोजन को किल करती है, यानी प्लांट की प्रोटेक्शन करती है पैथोजन से। जब भी आ जाए ना कौन सा माइक्रोब्स प्लांट की पैथोजन से रक्षा करता है, तो आपका ट्राइकोडर्मा है, वो रूट बोन पैथोजन को यही किल करती है, यही का एग्जांपल देखिए, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको कौन सा प्लांट के केस में किल करता है डायरेक्टली। ये तो इनके स्पोर होते हैं, ड्राइड स्पोर छिड़कते हैं हम, या इनके जीन डालेंगे, ये डायरेक्टली ट्राइकोडर्मा रूट बोन पैथोजन को किल करती है, तो इसका ऑप्शन ये प्रेफरेंस रहेगा। वहां पे ऑप्शन में बीटी भी आएगा आपका, मान लो बीटी दे दे आपको, और बाकुलो वायरस भी एक और पढ़ेंगे अभी, तो इनमें प्रेफरेंस आप करेंगे ट्राइकोडर्मा को, जो प्लांट रूट पैथोजन को डायरेक्ट किल करती है, समझ रहे हो, बिल्कुल सर। अगला है भाई बाकुलो वायरस, बाकुलो वायरस जीनस है न्यूक्लोपोलीहेड्रोवायरस का, जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, सुनिए भाई, बाकुलो वायरस है, ये भी आपके बायोकंट्रोल एजेंट का काम करते हैं, ये जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस का मेंबर है, हेड्रो वायरस का मेंबर है। ये जो आपके बाकुलो वायरस है, ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होते हैं, क्या होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, पतली सी रेंज में ही मारते हैं भाई, क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, कुछ पार्टिकुलर स्पीसीज को ही किल करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, बाकुलो वायरस जो जीनस है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस के मेंबर का जीनस है, ये जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस का मेंबर है, सुनिएगा, बाकुलो वायरस जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस का मेंबर है। ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, ये ओनली टारगेट, जिनको टारगेट करते हैं उन्हीं इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोडा को मारता है। ठीक है, जो आपके बाकुलो वायरस है, डू नॉट हार्म ह्यूमंस को, बर्ड्स को, और अदर नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये फायदा भी है बाकुलो वायरस का, कोई ऐसे आ जाए जिसमें जो स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होते हैं तो बाकुलो वायरस देंगे आप वहां पे, या नैरो स्पेक्ट्रम वाले आप बायोकंट्रोल एजेंट को बताइए, तो बाकुलो वायरस है जो मैंने पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में यही दे रखा, तो इसी का ऑप्शन जाएगा। सही आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है सर, आगे बताओ सर जल्दी से। ट्राइकोडर्मा जो स्पीसीज है वो फ्री लिविंग फंजाई होती है, बायोकंट्रोल एजेंट का काम करती है रूट बोरन रूट इकोसिस्टम में प्लांट के लिए। नेक्स्ट भाई बीटी, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, बीटी कॉटन में डालते हैं इसके जीन, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट आपका प्लांट होता है बीटी कॉटन, एफिड्स बाय लेडीबर्ड द्वारा खा लिए जाते हैं, मॉस्किटो को ड्रैगन फ्लाई कहा जाती है। इनकी खास खूबी क्या है, लेडीबर्ड और ड्रैगन फ्लाई की, इनके अंदर रेड और ब्लैक मार्किंग पाई जाती है, ये रेड और ब्लैक मार्किंग बीटल्स होते हैं जो बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में यूज होते हैं। बताइए कौन से रेड एंड ब्लैक मार्किंग बीटल्स यूज किए जाते हैं बायोकंट्रोल एजेंट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, और लेडीबर्ड खाती है किसको, एफिड्स को, और ड्रैगन फ्लाई खाती है मॉस्किटो, उल्टा करके देते हैं, लेडीबर्ड खाती है मॉस्किटो को, ड्रैगन फ्लाई खाती है किसको, एफिड को, रॉन्ग राइट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट होती है। देन अगला भाई मिथेनोबैक्टीरियम का काम बताओ, बोला जो रूमिनेंट मैमल्स होते हैं, वो मैमल्स जिनके स्टमक में एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं रूमन, रूमिनेंट मैमल के अंदर रूमन पार्ट में एनएरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, जो आपकी मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि एक बायोगैस बनाती है, बायोगैस के अंदर 66% मीथेन होती है। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है, ये ह्यूमन के अंदर जो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके, सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मीथेन बनाने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। इन ह्यूमन ऑफ कैटल में होते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, एनएरोबिकली काम करते हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। मिक्सचर की फॉर्म में CO2H2 भी होती है भी उसमें, लेकिन 66% क्या होती है, 66% क्या होती है, मीथेन, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये था भाई अबाउट मिथेनोबैक्टीरियम माइक्रोब्स की फॉर्म में, ठीक है। अब भाई हमें माइक्रोब्स में हमने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है, ये देख लीजिएगा भाई। अब सुनिए माइक्रोब्स में क्या है, बोले माइक्रोब्स का योगदान सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है, ये बताओ कैसे। बोले अब हम पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें माइक्रोब्स यूज कैसे होते हैं सीवेज को ट्रीट करने में। सुनिएगा भाई ध्यान से, जो सीवेज को ट्रीट करने में माइक्रोब्स का योगदान होता है कैसे, ये देखिए। सबसे पहले व्हाट इज सीवेज, सीवेज इज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को क्या कहते हैं, सीवेज। तो जो हमारे कस्बे से बाहर व्यर्थ पानी जाता है नहाने धोने कपड़े का, तो कपड़े धोने का, उसे हम क्या कहते हैं, इस वाटर को जो नालियों से जाता है ना अपने सब बर्तन मांज लिया ETC जो भी काम करते हैं घरेलू कामों से, चप्पल धो लिया आप लोगों ने, मुंह धो लिया अपना, तो जो पानी बाहर जा रहा है वो आपका सीवेज बनाता है। अब इस सीवेज को हम सीधा नदियों में छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ भाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP में, ठीक है। कहीं पे आस पड़ोस में STP लगा रखा तो देख लेना जहां पे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। अब सीवेज के ट्रीटमेंट मान लीजिए जो आपके नालियां होती हैं, आपने वहां जो पानी देखा होगा उसमें क्या देखा होगा, जो प्लास्टिक के जो आइटम होते हैं वो तैर रहे होते हैं, जो पत्थर वगैरह वो नीचे बैठे होते हैं। तो सबसे पहले भाई सीवेज ट्रीटमेंट आता है, पहला ट्रीटमेंट जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, आल्सो नोन एज व्हाट भाई, फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ध्यान से सुनना भाई। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट सिंपली आसान से तरीके से बता दूंगा आप लोगों को, ये फिजिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पानी के ऊपर जो तैर रहा है, पानी के नीचे जो बैठ गया है उसको रिमूव कर देंगे, ऊपर वाले चले गए, नीचे वाले चले गए, क्या बचे, बीच वाले, यानी जो चीज पानी में घुली हुई है वही बच जाती है बस। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या, जाल लगा देते हैं प्रकार से आगे पानी के बहाव के आगे जाल लगा दिए, तो जाल के कारण जो भी आपके पत्थर नीचे बैठ जाएंगे और जो भी रबड़ है, मतलब पत्थर तो अपने आप भारी होता है नीचे बैठ जाता है, जो आपकी बोतलें वगैरह तैर रही हो, चप्पलें जो होती हैं, ठीक है, ईंट जो पाटे बाटे वगैरह होते हैं वो कहाँ, नीचे बैठ जाते हैं, सिंपल सी बात है भाई। ईंट हो गई, जैसे पत्थर हो गए, जैसे और भारी आइटम जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में, पता है इस बात का, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उनके नीचे बैठ जाते हैं, फिजिक्स कहाँ से लिया है सर। और जो आपके फ्लोटिंग डेब्रिज होते हैं ऊपर रहते हैं, ऊपर वालों को ऐसे उखाड़ देंगे, छान लेंगे, जब जो पानी ऊपर भी चले, ऊपर वाले चले गए, नीचे वाले चले गए, या पानी जो छन गया फिल्टर से, हमने जो मान लो ये प्रकार से जाली लगा रखी थी उससे पानी छन गया, अब जो छना हुआ पानी आगे गया है उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व्ड है, उसको भी हम है ना डायरेक्ट सीवेज में, अभी नदियों में नहीं डालेंगे, तो अभी तो हमने तैरती हुई चीजों को हटाया है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें तैरते हुए डेब्रिज और बैठे हुए सेडिमेंट को हटा दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, फ्लोटिंग डेब्रिज को एंड और सेडिमेंटेड, जो सेडिमेंट की फॉर्म में बैठे हुए हैं, सेडिमेंट की फॉर्म में जो डेब्रिज कूड़ा कचरा है उसको हटा दिया जाता है, ठीक। अब जो पानी जिसमें घुली फॉर्म में जो पानी बची है, मान लो ऊपर वाले चले गए, नीचे वाले चले गए, अब जो डिजोल्ड फॉर्म में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आपने साबुन लगाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, बर्तन सब्जी जो भी है, साबुन वगैरह आदि सब, जो आपके डिजोल्ड फॉर्म जो भी बची है आपने, और वगैरह जो काम करते हैं जो भी है, बाथरूम में नहाते समय जो वर्किंग होती है समटाइम्स, वो भी समझ रहे हो क्या क्या करते हैं बाथरूम में नहाते समय, देखो जरा। तो भाई जो डिजोल्ड फॉर्म होती है ना, ठीक है, डिजोल्ड फॉर्म आपकी आगे जाएगी और इसे हम कहते हैं इफ्लुएंट, इफ्लुएंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो इफ्लुएंट होता है, इसके अंदर से जो आपके मैन मैन भारी कूड़ा कचरा चला गया, ऊपर तैरती फॉर्म चली गई, अब जो डिजोल्ड फॉर्म बची, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इसको हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, इसको फिर हम कहाँ भेजेंगे भाई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है सेकेंड नंबर पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे यहाँ का जो भी बच गया, ठीक है, और जो बाहर निकलता है उसे कहते हैं इफ्लुएंट, ठीक है। तो डिजोल्ड फॉर्म जो बच गई है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे, जो भी पोल्यूशन अब इस पानी में होगा वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसको भाई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ इसमें भी सुन लो भाई। सीवेज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज, सीवेज को ट्रीट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां पे कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं भाई, हीटरोट्रोपिक माइक्रोब्स पूछते हैं, जो नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होंगे, हीटरोट्रोपिक माइक्रोब्स, कुछ हम खुद डाल देते हैं,
प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल ट्रीटमेंट होगा, फिजिकल रिमूवल होगी डेब्रिज की बाय फिल्ट्रेशन द्वारा, सेडिमेंटेशन द्वारा नीचे बैठ जाएंगे। अब जो प्राइमरी सल्ज होगा, जितने भी सेटल होगी चीजें, ईंट पत्थर भाटे और जो तैरते हुए आपके चप्पल जूते बोतलें, ये सारे प्राइमरी सल्ज बनाएंगी, ठीक है। अब जो डिजोल्व फॉर्म का वाटर है इसे कहते हैं सुपरनेटेंट वाटर। क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट वाटर। जो सुपरनेटेंट वाटर होता है, अब ये आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहां पे भी फर्दर टैंक्स होते हैं भाई। सबसे पहले इसको भेजते हैं यहां से, जो भी इफ्लुएंट आएगा, जो आपका सुपरनेटेंट वाटर जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व हो रखे हैं, वो सबसे पहले जाएगा एरोबिक टैंक में। किसमें जाएगा? एरोबिक टैंक में। खास बात होती है एरोबिक टैंक के अंदर, मतलब एरोबिक टैंक में क्या खास बात होती है? मतलब पहली बात, ये O2 रिच होता है, यहां पे हम O2 की सप्लाई करते हैं, ठीक है, O2 की सप्लाई करते हैं। दूसरी अगली बात, मैकेनिकली जो भी सब्सटेंस आएंगे उसको घुमाएंगे, मैकेनिकली घुमाएंगे, जो डिजोल्व फॉर्म रखी उसको मैकेनिकली घुमाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या खास बात है? और बोला एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। और क्या होती है? बोला फंजाई होती है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई आपस में मिलके मतलब मैश लाइक संरचना बना लेते हैं, मैश जालीनुमा संरचना, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जालीनुमा संरचना बना लेते हैं भाई। अब क्या करेंगे? जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया है, जो भी यहां से ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका डाइजेशन शुरू करेंगे और इसको इनऑर्गेनिक में चेंज कर देंगे। समझ रहे हो क्या? यानी जो भी आपका पोल्यूशन वाले सब्सटेंसेस है, उन सबका डाइजेशन करके एरोबिक बैक्टीरिया अब पोल्यूशन से फ्री कर देंगे, किसको? सुपरनेटेंट से, सुपरनेटेंट यानी वाटर को। यानी वाटर में से अब जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो मैक्सिमम बाहर चली जाती है या डाइजेस्ट हो जाती है इस एरोबिक टैंक में विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि आपकी मैस लाइक स्ट्रक्चर होती है फंजाई और बैक्टीरिया से बनी हुई। क्या बात है! एल्गी भी हो सकती है इनमें, ठीक, पर जो आपके बैक्टीरिया फंजाई ये बेटर है, क्योंकि हीटरोट्रोपिक होते हैं। एल्गी तो खुद ऑटोट्रोपिक होता है ना, वो एल्गी जो हीटरोट्रोपिक, एल्गी तो आपकी ऑटोट्रोपिक होती है, वो एल्गी जो हीटरोट्रोपिक वो यहां आ जाएंगे, कुछ होती है। तो जो आपके बैक्टीरिया फंजाई या जो मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डाइजेस्ट कर देते हैं भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, किसमें? इनऑर्गेनिक में। डाइजेशन हो गया और ये सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं, अब जो पानी है अगले टैंक में भेज देंगे। अगले टैंक में पानी भेजने से पहले यहां पे सुनो भाई क्या कहानी है। ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और भाई 1 लीटर वाटर में 2 आवर तक जितनी ऑक्सीजन ये इस्तेमाल करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं इसे कहते हैं क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। क्या कहते हैं भाई? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान दीजिएगा भाई, बीओडी एक गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है। बोला बीओडी अगर ज्यादा होगी तो सुन लीजिए पोल्यूशन भी क्या होगा? ज्यादा। यानी अगर बैक्टीरिया ये ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं तो बीओडी भी क्या होगी? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया द्वारा ज्यादा होगी, इसका मतलब पोल्यूशन ज्यादा होगा। सीधी सी बात देखिए, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा बैक्टीरिया को उतना ही ज्यादा क्या यूज करना, काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा ये काम करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे, जितना ऑक्सीजन यूज करेंगे वही आपकी बीओडी है। अगर बीओडी ज्यादा है तो इसका मतलब पोल्यूशन भी क्या है? ज्यादा। बीओडी ज्यादा तो पोल्यूशन भी ज्यादा। जैसे ही बीओडी कम होती जाएगी, लगातार सिक्वेंशियल स्टेप कराएंगे भाई, जैसे बीओडी आपकी कम हो जाएगी फिर हम इसको अगले टैंक में भेजते हैं पानी को। जो सुपरनेटेंट पानी प्राइमरी टैंक से आया है, मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट से आया है, उसको हम एरोबिक टैंक में भेजने के आ गया एरोबिक टैंक में। अब एरोबिक टैंक में से दूसरे टैंक में कब भेजेंगे? जब आपका क्या बीओडी क्या हो जाएगी? कम। ध्यान रखना बीओडी 1 लीटर वाटर में मापते हैं भाई, ठीक है। ये तो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ध्यान रखिए अच्छे तरीके से। बायोलॉजिकल नहीं है, कई लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखाते हैं, ठीक। नेक्स्ट भाई, अब जो आपका एरोबिक टैंक है इससे जो इफ्लुएंट बचा हुआ है वो दूसरे टैंक में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं सेटलिंग टैंक। क्या कहते हैं भाई? सेटलिंग टैंक। बोला इस टैंक में क्या होगा? बोला पहले वाले टैंक में क्या किया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर दिया, मैस लाइक संरचना बनी, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया, ठीक। अब सेटलिंग टैंक में क्या होगा? बोला हमें इन मैस लाइक को भी तो सेटल करना है, और कुछ और सब्सटेंस बच्चे जो तैर रहे हैं बच गए उनको भी सेटल करवा देंगे। तो सेटलिंग टैंक में जो आपके मैस लाइक संरचना बैक्टीरिया जो फंजाई है वो नीचे सेटल बैठ जाते हैं, बैठ गए, मतलब बस पानी फिर से आपका क्या नितर जाएगा, साफ पानी फिर आगे चला जाएगा, देखो रह गया ना यहाँ पे। और भाई ये जो आपके मैस लाइक स्ट्रक्चर ये डाइजेशन करते हैं ना, यही एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं का यूज हम फर्दर वापस एरोबिक टाइम में कर लेते हैं एज इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? खट्टा। जैसे दही जमाने के लिए हम दूध से दूध के अंदर थोड़ा खट्टा डालते हैं, इनोकुलम होता है, स्टार्टिंग का काम करता है इनोकुलम। ध्यान दीजिएगा इसका काम करता है स्टार्टिंग का। तो जो आपका इनोकुलम है ये सेटलिंग टैंक से मिलता है, हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कहां से मिलता है? सेटलिंग टैंक से। अब ये सेटल करके चीजें, अब जो भी एरोबिक बैक्टीरिया या और सब्सटेंस बच गया वो तीसरे टैंक में जाता है, जिसे कहते हैं क्या भाई? एन
एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, क्या कहते हैं, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये क्या करता है, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया या कोई और सब्सटेंस बच गए सारे यहाँ तीसरे टैंक में आएंगे। तीसरे टैंक में कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, एन एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। ये एन एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो बचे इनको खा जाएंगे, इनका डाइजेशन करके बायोगैस रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, बायोगैस रिलीज करेंगे, और इस तरीके से आपका पानी और साफ हो जाएगा। और अब इस तीसरे टैंक से करने के बाद पानी जो बाहर निकलेगा तीसरे टैंक से, उसको रिवर्स में हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट और क्या था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। खास पॉइंट था, बीओडी ज्यादा है तो पोल्यूशन भी ज्यादा, बीओडी कम पोल्यूशन कम तभी आगे भेजते हैं। और यहाँ बीओडी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अक्सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कराते हैं। तीन टैंक है, एरोबिक टैंक, सेटलिंग टैंक और एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर। कौन से में बायोगैस बनती है, एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किसमें एनोरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। किसमें एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, एरोबिक टैंक में। पहला जो टैंक आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्या इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगली बात, जो माइक्रोब्स होते हैं कैसे माइक्रोब्स है, ये बैक्टीरिया फंजाई ब्लड, ये हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स है, HETERO, हेटरो ट्रोपिक माइक्रोब्स, ध्यान रखना। कैसे माइक्रोब्स है, हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स है, ठीक है सर। तो इस तरीके से भी आपका क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी हो गया। एक बार इसमें से सुन लो क्या है, क्या होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, बोला सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहलाता है। इसमें हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स यूज होते हैं। सुपरनेटेंट वाटर जो प्राइमरी टैंक से, जो फिजिकल ट्रीटमेंट यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है, सुपरनेटेंट वाटर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का इफ्लुएंट है, सुपरनेटेंट वाटर जिसके अंदर आपको पानी, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज घुली हुई है, यानी तैरता हुआ पानी डिजोल्व फॉर्म में जिसमें सब्सटेंस है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले भेजेंगे लार्ज एरिएशन टैंक में, ठीक है, जहां पे हिलाने वाले में मैकेनिकली उनको हिलाया जाएगा। और यहाँ पे फ्लोक्स, बैक्टीरिया और फंजाई के जो मास उन्मास संरचना होती है, इन्हें फ्लोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्लोक्स। जो ये आपके जो फ्लोक्स हैं, ये डाइजेशन करेंगे सब्सटेंसेस का, ठीक है। फ्लोक्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे बीओडी कम होगी, सेटलिंग टैंक में भेज देंगे, सेटलिंग टैंक में सेडिमेंट सेटल कर जाएगा और यहाँ से जो इनोकुलम निकलेगा, जो सेटलिंग टैंक से निकलेगा, इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। पूछ लेते हैं एक्टिवेटेड स्लज कहाँ बनता है, एक्टिवेटेड स्लज बनता है सेटलिंग टैंक में। और ये एक्टिवेटेड स्लज ही इनोकुलम का काम करता है, मतलब इसी एक्टिवेटेड स्लज में मैं सुनवा समझना है, बार बार कहाँ से लाएंगे, तो यहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं वापस प्राइमरी टैंक में, मतलब वापस एरिएशन टैंक में, एरोबिक टैंक। इसे हम कहते हैं एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक भी कहते हैं, अच्छी होती है ना, एरिएशन टैंक, ठीक है। आगे देखिए भाई, अब भाई जैसे आपने सेटलिंग टैंक से भेज दिया पानी, एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे, वहां पे एनोरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देंगे बैक्टीरिया फंजाई को स्लज में, और परिणाम स्वरूप भाई आपकी बायोगैस रिलीज होगी। इस बायोगैस में H2S मिलेगी, तो CH4 मीथेन बनेगी और CO2 मिलेगी, जिसे बायोगैस कहते हैं। मीथेन की अमाउंट 66% होती है। जो पानी निकलेगा उसको रिवर्स में छोड़ देंगे, जो बायोगैस निकलेगी उसमें हम घरेलू इस्तेमाल कर लेंगे। खास बात भाई, रिवर्स में लोग है ना ऐसे ही कूड़ा कचरा डाल देते थे जो इंडस्ट्री वाले हैं, तो इनके लिए दो प्लान लागू, दो योजना लागू की गई, एक तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने लागू की 1984 में, इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में आई नई दिल्ली में। उन्होंने क्या किया, जो यमुना नदी है और जो गंगा नदी है वो पोल्यूटेड हो रही है, जो केमिकल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कोई भी लोग, कोई बंदा मान लो जो घटिया पानी लेके आता, घटिया पानी जो घरेलू जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर सीवेज है वो सीधा नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे कारण नदियों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है और पानी लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता, गंदा पानी हो जाता है। और जो केमिकल इंडस्ट्री वाले वो केमिकल छोड़ देते हैं, जिससे और गंदा पानी हो जाता है। तो क्या करें भाई, इनको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अदरवाइज जुर्माना लगा देते हैं। तो गंगा एक्सप्लेन और यमुना एक्सप्लेन में यही किया गया था, जो भी गंदा पानी नदियों में छोड़ेगा बिना ट्रीट किए हुए, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, समझ रहे हो। मान लीजिए अपना सीवेज वाटर किसी गंगा नदी में जा रहा होता, मान लो अपने किसी गंगा गया गंगा नदी में जा रहा होता मान लिया, तो भाई मान लो नहीं करें तो सीधी सवाल सरपंच पे अटैक कर दो, सरपंच को बोलो क्यों नहीं जा रहा पानी, जहां पानी गंदा खड़ा मिल जाए, ठीक है, तो सरपंच की गलती, सरपंच को जुर्माना देना पड़ेगा, गाँव का मुखिया कौन माना जाएगा, सरपंच, समझ रहे हो। इसलिए सरपंच को क्या करना चाहिए, जहां भी खड़ा पानी दिख जाए, जहां भी नदियों में पानी जा रहा है, उसको पहले से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसका मतलब हर गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए भाई, ये मतलब है। जो भी दोस्तों मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जो सरपंच लोग हमारे, ठीक है, मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गांव में भी क्या बनाया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। क्या बात है सर, बिल्कुल। तो भाई इस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का भाई 1984 में, कहां इसका सेंटर, न्यू दिल्ली में। एक होता है ट्रसरी ट्रीटमेंट भी होता है, क्या होता है ट्रसरी ट्रीटमेंट, मतलब इसमें क्या करते हैं, ट्रसरी ट्रीटमेंट है हम जो केमिकल्स होते हैं नाइट्रेट्स फॉस्फेट सल्फेट जो इंडस्ट्री द्वारा लीज होते हैं वो उनके लिए करवाना पड़ता है हमें। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो करवाएंगे साथ में ट्रसरी ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। तो जो आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं वो भी आपके रिमूव हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग नाइट्रोजन फॉस्फोरस नाइट्रेट सल्फेट्स आर रिमूव किए जाते हैं यूजिंग ट्रसरी ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। तो ये था भाई आपका सीवेज ट्रीटमेंट, ऑल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और सुन लो भी कुछ कहानी, लेप्रोसी और कुष्ठ रोग कहते हैं,
और ध्यान रखना, नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, सारे माइक्रोब्स पैथोजेनिक नहीं होते, और सारे माइक्रोब्स फायदेमंद भी नहीं होते, और सारे माइक्रोब्स हानिकारक भी नहीं होते। जो माइक्रोब्स हानिकारक उनको हम इसमें पढ़ लिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जो माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदायक उनको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ लेंगे, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो सारे माइक्रोब्स ना तो बेनिफिटेबल है, नहीं नुकसानदायक है, कुछ फायदेमंद है, कुछ नुकसानदायक है। क्या बात है, 21% ऑल ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय वाटर बोरन पैथोजन द्वारा काज की जाती है, जो पानी से पैथोजन प्रोड्यूस होते हैं उनके द्वारा। यानी ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो वगैरह को मारना बहुत जरूरी है भाई, वरना ये एडिज, बताइए एडिज मच्छर कौन सा रोग काज करता है, मॉस्किटो कौन सा रोग काज करता है, एनाफ्रिज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई कौन से डिजीज काज करती है, ये तीनों के लिए आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या एडिज मॉस्किटो कौन सी डिजीज काज करता है, एनाफ्रिज मॉस्किटो कौन सी डिजीज काज करता है, और आपकी जो हाउस फ्लाई है वो कौन सी डिजीज का वेक्टर होती है, यह बताना है। एक्यूलेक्स मॉस्किटो के बारे में बताएंगे भाई, कौन सी डिजीज का कैरियर है। तो भाई होप सो हम माइक्रोब्स कंप्लीट कर चुके हैं, सारे एस्पेक्ट मैंने माइक्रोब्स का कंप्लीट कर दिया है। आपको एनसीईआरटी में देखने भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपका दिमाग करने मन नहीं मानता तो आप क्या करें, एनसीईआरटी को बार जरूर देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, वहां पे इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और फिर अपना अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना भाई, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको लगा कि सच में वीडियो सर आपने बहुत अच्छी बना रखी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी जल्दी से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं कर रखा है, कर दे भाई, कुछ नहीं जाता बेटा, तुम्हारे पैसे नहीं लगते इसमें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, चिल मारो, लाइक करो, मस्त रहो, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ते रहिए। नीट 2022 जो 17 जुलाई को होने जा रहा है उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 360 में से 360 लेनी है बायोलॉजी में। ठीक है भाई, अच्छे से मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट। अरे सुनिए 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 सुनिए, एक और बात भाई, जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है हमने उसको खुद से तेज चैनल में भी पढ़ा दिया है, नोट इट वेरी केयरफुली, खुद से तेज में भी हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा रखा है, खुद से तेज चैनल पे आप भरिएगा खुद से तेज, वहां पे भी आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी वीडियो बना रखी। ठीक है, यह था भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।